गया है जिसका था फैंस को इंतजार, क्योंकि 76th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का आगाज होने के साथ साथ इस बार के विनर्स के नाम भी सामने आ चुके हैं। जी हां, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जहां जेरेमी एलन ने अपने नाम किया, तो वहीं सभी कैटेगरी के विनर्स को सम्मानित भी किया जा चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किसने झटका है कौन सा अवार्ड और किसने मार ली है बाजी। दरअसल शोगुन का बोलबाला हो रहा है, रिचर्ड गैर ने झटके हैं कई सारे अवार्ड। तो चलिए आपको बताते हैं कौन बना है इस बार बेस्ट एक्टर। हम सब जानते हैं 76th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स का आगाज हो गया है और इसी के साथ बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस से लेकर बेस्ट मूवी तक के नामों का ऐलान हो चुका है। लॉस एंजलिस में हुई इस सेरेमनी में शोगुन से लेकर द बियर तक का नाम छाया हुआ है। जेरेमी एलन व्हाइट ने कॉमेडी सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम किया है। अना स्वाय को ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। इस सीरीज के एक्टर सानडा ने बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में बाजी मारी है। तो चलिए आपको बताते हैं और कौन कौन बना है इस बार विजेता। वही अगर बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा सीरीज की बात करें तो ये अवार्ड शोगुन के लिए अना स्वाय ने जीता है। वही सपोर्टिंग एक्टर ड्रामा सीरीज के लिए बिली क्रुबजुक को ये अवार्ड दिया गया। वही सपोर्टिंग एक्ट्रेस ड्रामा सीरीज के लिए एलिजाबेथ डेबिकी ने अवार्ड अपने नाम किया है। वही गेस्ट एक्टर ड्रामा सीरीज के लिए नेस्टर कार्बोनेल को ये अवार्ड मिला है। बता दें आपको गेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा सीरीज के लिए मिकेला कोल ने ये अवार्ड अपने नाम किया है मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ के लिए। वैसे बेस्ट डायरेक्शन ड्रामा सीरीज के लिए शोगुन को अवार्ड मिला है। बेस्ट राइटिंग ड्रामा सीरीज के लिए स्लो हॉर्सेस ने अवार्ड जीतकर अपने नाम किया है। वैसे मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ, बेस्ट एक्ट्रेस लिमिटेड के लिए जो अवार्ड है वो जोडी फॉस्टर ने अपने नाम किया है द डिटेक्टिव नाइट कंट्री के लिए। वही बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर लिमिटेड के लिए लेमोरोन मॉरिस ने इसे अपने नाम कर लिया है। वैसे बेस्ट डायरेक्शन लिमिटेड एंथोलॉजी सीरीज के लिए रिप्ले ने डायरेक्टर स्टीवन ज़ेलन के लिए अपने नाम किया है अवार्ड। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि जो ये अवार्ड्स है ना, लीड एक्टर कॉमेडी सीरीज की अगर बात करें तो जेरेमी ने द बियर के लिए अपने नाम किया है अवार्ड। वही लीड एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज के लिए जीन स्मार्ट ने हैक के लिए अपने नाम कर लिया है ये वाला जो ट्रॉफी है। वैसे आपको ये भी बताना चाहते हैं, बेस्ट होस्ट रियलिटी शो के होस्ट के लिए अगर बात करें तो एलन कमिंग अपने नाम करते नजर आए हैं अवार्ड को। वही अगर बेस्ट डायरेक्शन मूवी कॉमेडी सीरीज की बात करें तो द बियर के लिए डायरेक्टर क्रिस्टोफर स्टोर को ये अवार्ड दिया गया है। वही बेस्ट राइटिंग कॉमेडी सीरीज के लिए हैक्स की तरफ से ल्यूसिया ने ये अवार्ड जीता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का जो एमी अवार्ड था वो बेहद खास रहा है और इस बार शोगुन का बोलबाला रहा है और रिचर्ड गैर ने सबसे ज्यादा अवार्ड्स को अपने नाम करवाया है। तो हमारी तरफ से इन तमाम विनर्स को ढेर सारी बेस्ट विशेस। इस वीडियो में इतना ही।